गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें हमने अभी तक ये देखा कि जो हमारे ऑथर थे उन्होंने अपनी वाइफ को जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने ये बताया क्या कि बताया कि जो ब्रिटिशर्स और जर्मन्स थे उन लोगों ने साथ में मिलकर बहुत ही आ, सुंदर क्रिसमस डे मनाया था और उसको वो कह रहे थे कि मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ और उन्होंने अपनी वाइफ से ये भी बोला कि हम लोग मैंने उनसे हम लोग क्या करेंगे जल्दी ही हम लोग देखना हम उनसे मिलेंगे मैंने ये सब बोला अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है फिर आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इन टू एट्स जो ऑथर थे उन्होंने क्या करा उस लेटर को दोबारा से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने फिर से उसे फ़ोल्ड किया और उसे वापस एनविलिप में डाल दिया आई कैप्ट वे ऑल नाइट वो कहने लगी कि मैं रात भर सोया नहीं बाई मॉर्निंग आई न्यू वाट आई है और मुझे सुबह तक पता था कि मुझे अब क्या करना है आई ड्रोव इन टू अ ब्राइट पोर्ट मैं जो था मैं इसको मैं मतलब कहाँ चला गया ब्राइट पोट में चला गया ब्राइट पोर्ट कौन सी जगह है आपको पता है कि जो ब्राइट पोर्ट है वो दौर के नज़दीक में नज़दीक में ही वो जगह थी तो जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे जो कुछ ही दूर दूरी पर था डोरसेट से आई आस्ट अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग और मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को सुबह घुमा रहा था वे कॉपर बीच हुआस मैंने कहा कि कॉपर जो बीच बीच है वो कहाँ पर है हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज बोर्ड अप तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि जो घर था वो जिसके बारे में मेरे पास जो एड्रेस था उस घर के पास जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि जो वो घर था वो बुरे ढंग से जल चुका था और उसकी जो छतें थी वो भी टूट चुकी थी और जो विंडोज़ थी वो भी गिर आई नॉक डेट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्ट इफ़ एनी वन न्यू द वर अबाउट्स ऑफ अ मिसिज मैक फर्सन और मैं उसके जिस बगल वाले घर में गया और मैंने वहाँ पर डोर नॉक किया और मैंने पूछा कि क्या आप uh, क्या आप मैकफर्सन मिस मैकर्सन को जानती हैं ओ येस एट द ओल्ड मैन इन हे स्लिप जो uh, वहाँ पे से एक आदमी आया जो बूढ़ा सा था उसने कहा ओ येस हाँ ही न्यू हा वो उसे जानता है ही न्यू हर वेल ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ही अच्छी जो थी वो लेडी थी और उन्होंने बताया ही टोल्ड मी अबेट bit मेडल हैडेड बट एट हर एज शी वॉज़ एंड टाइटल टू बी वजन शी तो उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छी लेडी थी लेकिन थोड़ा सा क्या थी थोड़ा कन्फ्यूज़ रहती थी और उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं इस एज के इस एज में तो होता ही ऐसा कि अब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उसके बाद जो इंसान होता है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है कन्फ्यूज़ रहने लग जाता है तो उन्होंने मुझसे पूछा उन्होंने मुझसे कहा कहा कि क्या वो नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूज़ क्योंकि इतनी एज हो गई है तो ए हंड्रेड हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड मतलब वो एक सौ एक साल की हो चुकी थी शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर जब इस घर में आग लगी थी तब वो इसी घर में थी तब वो घर में ही थी नो वन रैली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड कोई भी नहीं जानता है कि जो आग थी वो कैसे लगी बट इट बी बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल लेकिन हो सकता है कि वो जो थी आग जो थी वो कैंडल से लगी थी शी यूज़ कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उन्हें कैंडल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा उन्हें कैंडल का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि वो ज़्यादा क्या थी बिकॉज शी ऑलवेज थाट क्योंकि वो हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है एक्सपेंसिव है महंगी होती है द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम और तभी जो जो जब आग लगी थी तो वहाँ पर फायर मैन आया और उन्होंने तुरंत ही उनको क्या करा था वहाँ से टाइम से निकाल लिया था शिवॉज इन आ नर्सिंग होम और उसके बाद वो शिवाज इना नर्सिंग होम नाओ एंड ही टोल मी उन्होंने मुझे बताया कि वो जो अब हैं वो एक नर्सिंग होम में है बर्लिंगटन uh, हाउस जो कि कहाँ है बर्लिंगटन हाउस में है ऑन द डॉर्चेस्टर रोड और ये ये जो हाउस है वो कहाँ है डॉर्चेस्टर रोड में है ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन इस टाउन के दूसरे साइड तो ये उन्होंने मुझे बताया फिर देखिए आई आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ और मुझे ये जो बर्लिंगटन हाउस था नर्सिंग होम ये इज़िली आराम से मिल गया था देर देर वर पेपर चेन आप इन द हॉलवे एंड द लाइट एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लूप साइडेड एंजिल ऑन टॉप अब उन्होंने कहा जब मैं वहाँ पर पहुँचा हाउस नर्सिंग होम में तो मैंने देखा कि वहाँ पर पे पेपर से पूरी मतलब एक पेपर से सुंदर सी चेन लग उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था पूरे उस हॉल में जाने के रस्ते में और लाइट मैंने देखा कि साइड में एक क्रिसमस ट्री जो था उसे डेकोरेट करा हुआ था कॉर्नर में रखा था बहुत ही सुंदर लाइट से उन्होंने उसे डेकोरेट किया था और उसके टॉप में लॉफ्ट साइड ऑन द टॉप मतलब टॉप में कुछ चमकता हुआ सा एक लाइट उन्होंने लगाई हुई थी आई सेड आई वॉज आ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मिसज मार मैक फर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रजेंट और मैंने वहाँ पर मैंने उनसे बोला कि मैं जो हूँ मिस मैकफर्सन मिसज जो मैक मैकफर्सन है उनका फ्रेंड हूँ उनसे मिलने के लिए आया हूँ और उनके लिए मतलब क्रिसमस प्रजेंट uh, ले के तोहा लेके आया हूँ क्योंकि जो ये टाइम था ना आज जो था वो क्रिसमस डे था तो उसी दिन मैं वहाँ पर पहुँचा था और मैंने उनसे बोला जो वहाँ पे थी आई कुड सी थ्रो इंटू द डाइनिंग रूम वेर एवरी वन वॉज़ वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा वहाँ पर डाइनिंग रूम पर जो बहुत से जो हर कोई जो थे उन्होंने पेपर हैट पहना हुआ था और गाने गाना गा रहे थे इसलिए गाना गा रहे थे क्योंकि आज वो आज क्या था क्रिसमस डे था द मैट्रोन द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन द टू एंड सीम्स हैप्पी इनफ टू सी मी और जो मेट्रिन थी वहाँ की उन्हों वो भी मुझे देख कर बहुत ज़्यादा उसने भी कैट हैट पहनी हुई थी और वो मुझे देख कर काफ़ी खुश हुई शी इवन ऑफ मी अंस प्ली पाए उन्होंने मुझे एक डिश होती है एक चीज़ होती है खाने की उन्होंने वो मुझे ऑफ़र की मुझे खाने को दी शी वॉकज मी अलून द कॉरिडोर और वो मुझे अप, अपने कॉरिडोर में मतलब अपने साथ कॉरिडोर में लेके गई मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर, शी टोल मी उन्होंने मुझसे बोला कि तुम यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे कोई भी मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन नहीं है वो यहाँ पर नहीं है शी इज रादर कन्फ्यूज टूडे वो आज थोड़ा सा कन्फ्यूज थी सो वी थॉट इट बेस्ट That इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट तो हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए She has no family, you know, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है नो वन विजिट्स कोई भी उनको मिलने नहीं आता है So I am sure she will be only टू pleased to see you। तो so, मुझे पता है कि जब वो तुमको देखेगी तो तुम्हें देख कर बहुत ज़्यादा खुश होगी शी टुक मी a कन्ज़रवेटरी विद व चेयर एंड पोटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी अब वो मुझे कन्जरवेटरी uh, मतलब एक कन्जरवेटरी क्या होती है एक ऐसी खुली सी जगह होती है जिसके अगल बगल में चेयर्स लगी होती हैं और और खुला हुआ स्थान होता है वो बैठने का तो उस जगह पे वो मुझे ले गई जहाँ पे वीगर चेयर्स भी थी और वहाँ पे बहुत से सुंदर प्लांट्स लगे हुए थे लगे हुए थे चारों ओर उन्होंने वहाँ जाके मुझे छोड़ दिया वहाँ पे छोड़ दिया द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर हर हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप मैंने देखा कि एक जो बहुत बूढ़ी सी औरत थी वो अपनी व्हील चेयर में बैठी हुई थी और उनके जो हाथ थे वो दोनों हाथ उन्होंने फोल्ड करके अपने लैप अपनी गोद में रखे हुए थे शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टूआ विस्पी बन और मैंने देखा कि उनकी जो सिल्वर कलर के वाइट जो है उस थे उसका उन्होंने जूड़ा बनाते हैं ना जो गुच्छा के वालों का वो बनाया हुआ था ऊपर से बन बनाया था शी वज गेजिंग आउट आया आउट एट द गार्डन और वो मतलब गार्डन की ओर ऐसे निहार रही थी या फिर देख रही थी हेलो आई सेड मैंने कहा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैंने कहा हैलो शी टर्न एंड लुकड अप एट द एट मी वेकेंटली उन्होंने मतलब मुझे ऐसे करके देखा कि कौन मुझे देख रहा है कर नहीं, कौन मुझे बोल बुला रहा है तो ऐसे ही उन्होंने बस ऐसी मुझे आ, देखा हैप्पी क्रिसमस कोनी मैंने उनसे बोला कोनी हैप्पी क्रिसमस आई वेंट ओन आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स yours और मैं उनके पास गया मैंने कहा देखो मैं मुझे एक चीज़ मिली ये ये एक चीज़ मिली है और मैं उनके पास गया थे कि आ, देख कि मैं और ये मैं आपके हैप्पी क्रिसमस भी बोला और ये मैं आपके लाया हूँ मैंने ऐसे बोला कि ये शायद ये आपकी है एज़ आई वॉज़ स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस जैसे कि मैं उनसे ये बातें बता रहा था कि ये आपकी चीज़ें पुरानी बता रहा था ले तो उनकी जो आँखें थी ना वो मेरे मेरे फेस से हट नहीं हट नहीं रही थी क्योंकि वो शायद मुझे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर मैंने क्या करा उस टिन बॉक्स को खोला और उन्हें दे दिया डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लेटअप विद द रिक्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज विद द सडन ग्लो ऑफ हैपीनेस अब क्या हुआ कि जब मैंने उनको वो टिन बॉक्स दिया तो उनकी आँखों में ना एक चमक सी थी वो मतलब वो शायद उस चीज़ को पहचान रही थी उनका जो फ़ेस था वो वो क्या था कि आ, मतलब बड़ा ही उन्होंने सोचा देखिए सफ़्यूज़ मीन्स होता है कि ग्लो ऑफ हैप्पीनेस मतलब उनके पूरे फेस में खुशी की एक खुशी सी झलकने लगी तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ आ, खुशी हुई I आई एक्सप्लेंड अबाउट द डैक्स about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. अब मैंने उन्हें explain किया कि मुझे कैसे एक डैक्स मिला ये सारी चीज़ें मैं उनको बता रहा था सारी चीज़ की ये कैसा हुआ फिर कैसे मुझे ये मिला but मुझे लग रहा था कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो सुन नहीं रही थी वो शायद मुझे नहीं सुन रही थी for a while. she said nothing kuch time ke liye to unhone kuch bhi nahi kaha but stroked the letter letter tenderly with her uh, fingertips finger tips sirf apni jo letter tha na wo usse उसे अपने fingertips टिप्स से क्या कर रही थी ऐसे जैसे टैप करते हैं उसको ऐसे ऐसे मार रही थी हल्के से ऐसे ऐसे टच कर रही थी सडनली शी रियलाइज आउट एंड लुक माई हैंड तभी उसे अचानक रियलाइज हुआ और उन्होंने मेरा अपना हाथ मेरे हाथों में लिया अपना मेरा हाथ अपने हाथों में लिया हराइज वर्स फिल्ड विथ टेयर्स और उनकी जो आंखें थीं वो आंसू से भर गई थी शी टोल्ड मीत कम होम बाई क्रिसमस तो और उन्होंने मुझे बताया कि तुम डेयरस की मतलब मेरे प्यारे तुम क्रिसमस के दिन तुमने मुझे बोला था कि मैं क्रिसमस के दिन आऊँगा शी साइड उसने ऐसा बोला एंड हेयर यू आर और देखो तुम आ गए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस डे का उपहार है गिफ्ट है मेरे लिए कम क्लोजर नज़दीक आओ जिम जिम डर सेट डाउन उन्होंने बोला कि जिम डेयर मेरे नज़दीक आओ और मतलब कि तुम यहाँ बैठो वो मुझे अपना अपना हस्बैंड अब समझ रही थी अभी तक और मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं मुझे उनकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए तो मैं बिल्कुल चुप हो गया आई सेट डाउन बिसाइड और मैं भी उनके बगल में बैठ गया एंड शी कि माय चीक उन्होंने मेरे चीक में किस किया मतलब गाल में आई रीड योर लेट सो ऑफन जिम और वो मुझसे कहने लगी कि जिम मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हारा हर लेटर हमेशा पढ़ती हूँ एवरी डे रोज़ पढ़ती हूँ आई वॉन्टिड टू हेयर योर वॉइस इन माई हैड मैं इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो वॉइस है आवाज़ है वो हमेशा मेरे सर में मतलब मेरे मेरे पास में हमेशा गूंजती रहे इट ऑलवेज़ मेड मी फील क्योंकि ये मुझे ये फील कराए यू वर विद मी क्योंकि तुम मैं इसलिए पढ़ती थी इस लेटर को मुझे लगे कि मुझे ऐसा लगता लगे कि तुम मेरे साथ हमेशा हो एंड नाउ यू आर देखो अब तुम मेरे साथ हो यू आर तुम यहाँ हो नाव यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ अब तुम क्या करोगे रोज मुझे मेरे लिए इसको पढ़ोगे वुड यू डू दैट फॉर मी क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम जो आई जस्ट वॉन्ट यू हेयर योर वॉइस अगेन में तुम्हारी आवाज़ फिर से दोबारा सुनना चाहती हूँ एंड आई लव यू आई वु लव दैट सो मच एंड मैं मैं जो तुम्हें जो है मैं बहुत प्यार करती हूँ एंड देन परप्स वी विल हैव टी और शायद फिर शायद हम वी विल हैव टी मतलब हम चलो कुछ चाय पीते हैं एंड आई हैव मेड यू अर नाइस क्रिसमस केक देखो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही क्रिसमस बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है मार्जपिन ऑल अराउंड जिसके चारों ओर मार्जपिन ना देखो मार्जपिन मतलब बता बताया था मैंने कि जो क्रीमी सा होता है क्रीमी लेयर होती है केक के ऊपर वो उसे हम मार्जपिन कहते हैं आई नो हाउ मच यू लव मारपिन और उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि तुम कितना पसंद करते हो मारजपिन सो डे सो डेरेस्ट डेन दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और इसके बाद वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑल्सो ओके एंड रिगार्डिंग दिस चैप्टर इफ़ यू आर गेटिंग एनी कन्फ्यूजन एनी थिंग यू आर नॉट गेटिंग यू कैन आक्स मी ओके टिल दैन यू जस्ट टेक क्योर एंड बाय एंड रिवाइज करें रीड करें इस चैप्टर को प्लीज़